What's up everyone? Welcome back to the channel. तो guys, आज हम cover करने वाले हैं दो chapters के कुछ important case studies, कुछ MCQs. Although मैं आप लोग को exam days के बीच में भी बहुत सारे important questions, MCQs, case based questions कराऊंगा, but अभी इन 6 से 7 दिनों में जो हमारे पास हैं, मैंने आपको पूरा schedule दिया है. According to that, हम अपना syllabus prepare करने वाले हैं. आज हम cover करेंगे consumer protection and marketing. कल हम कवर करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट्स. तो आपको वो दोनों चैप्टर्स कल शाम 9 बजे से पहले पहले रिवाइज कर लेने हैं. जब आपका मन करे तब कर लेना. आज रिवाइज करके सोने हैं, आज रिवाइज करके सो जाना. कल सुबह उठ के करने हैं, सुबह उठ के कर लेना, तो बहुत अच्छे से चीजें हो जाएंगी. ठीक है, तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं और टारगेट करते हैं हमारे बोर्ड्स के प्रिपरेशन को बेटर बनाने की तरफ. चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन. स्टार्ट करते हैं बेटा जी. हम लोग सबसे पहले MCQs कुछ लिखे हैं मैंने उनके साथ. तो देखो लिखा हुआ है, डैश इज रेफर्ड टू एज द एसेंस ऑफ मार्केटिंग. आप पॉज करके 7-8 MCQs है, ज्यादा नहीं है, फटाफट से अपने पास लिख लो ताकि आपको क्लैरिटी रहे. किसको हम एसेंस ऑफ मार्केटिंग बोलते हैं? प्राइस को, प्रोडक्ट को, कस्टमर सेटिस्फैक्शन को, या एक्सचेंज को? तो एसेंस ऑफ मार्केटिंग बोला जाता है बच्चों एक्सचेंज को, क्योंकि गुड्स और सर्विसेज का जब तक एक्सचेंज नहीं होगा ना, तब तक मार्केटिंग कुछ नहीं हो पाएगी. तो एक्सचेंज इज रेफर्ड टू एज द एसेंस ऑफ मार्केटिंग. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड? बेटा इस चीज का ध्यान रखना है, जो नॉट शब्द है ना, ये पूरा क्वेश्चन बदल देता है. नॉट इंक्लूडेड इन द मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. इसमें से कौन सा है जो नहीं आता? इन्वेंट्री कंट्रोल आता है, मटेरियल हैंडलिंग भी आता है, ट्रांसपोर्टेशन भी आता है. तो क्या नहीं आता भैया इसमें से? तो ऐसा कोई भी नहीं है जो नहीं आता. तो आंसर विल बी नन ऑफ दीज. ठीक हो गया जी, डन सर. नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, कस्टमर वुड नॉट बाय और नॉट बाय इनफ अनलेस दे आर एडिक्वेटली कन्विंस्ड एंड मोटिवेटेड टू डू सो. कस्टमर तब तक नहीं खरीदेगा या इतना नहीं खरीदेगा जब तक आप उसको बहुत अच्छे से कन्विंस नहीं कर दोगे कोई सामान खरीदने के लिए. तो कौन सा मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी है जो आपको लगता है यहाँ पे बात कर रहा है? क्या मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्ट है, सेलिंग है, सोसाइटल है, कौन सा लगता है? अब देखो एनसीईआरटी जब तक नहीं पढ़ोगे ना, एनसीईआरटी की लाइन है, तब तक दिक्कत रहेगी. मैं इसीलिए बोलता हूँ एनसीईआरटी जरूर पढ़ो. इसका आंसर आएगा बच्चे सेलिंग कॉन्सेप्ट. सेलिंग कॉन्सेप्ट में ये कहा जाता है कि तब तक सामान नहीं बिकेगा जब तक आप कस्टमर को अच्छे से कन्विंस नहीं कर लोगे. डैश एक्टिविटीज इंक्लूड ऑफरिंग कैश डिस्काउंट देना, सेल्स कंटेंट देना, फ्री गिफ्ट देना, फ्री सैंपल्स देना. किस में आता है? एडवर्टीजमेंट नहीं, पर्सनल सेलिंग नहीं, सेल्स प्रमोशन. हाँ, सेल्स प्रमोशन विल बी दी राइट आंसर. चलो भाई मैच करो, चलो फटाफट से मैच द मार्केटिंग फिलॉसफीज. फिलॉसफीज को मैच करना है, चलो भाई करके देख लेते हैं. प्रोडक्शन का मतलब रहता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना, क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट. लो सर, प्रोडक्ट में हम क्वालिटी पे फोकस करते हैं, सेलिंग में हम बेचने पे फोकस करते हैं, मार्केटिंग में हम कस्टमर नीड्स पे फोकस करते हैं. तो इसमें ए का फोर बी में है, तो बी ही इसका आंसर बन जाएगा, बस सीधा सीधा. ठीक हो गया बच्चों, डन सर. मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स. फिर से मैच वाले क्वेश्चंस बेटा इस बार काफी आएंगे, तो उसको ध्यान से करना. मैच में पूछ भी लेता है 4 सवाल और बताता है 1 ही नंबर का क्वेश्चन, है ना, इसीलिए मैचिंग वाले बड़े ध्यान से करने हैं. चलो करके देखते हैं. अ नेम, टर्म, साइन, सिंबल, डिजाइन और सम कॉम्बिनेशन यूज्ड टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स ऑफ वन सेलर एंड टू डिफरेंशिएट देम फ्रॉम अदर. ये तो पूरे के पूरे ब्रांड की ही बात कर रहा है. ठीक है, वर्बल कॉम्पोनेंट ऑफ अ ब्रांड. वर्बल कॉम्पोनेंट का मतलब जो आप बेसिकली मुंह से बोलते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रांड नेम. ठीक है, दैट पार्ट विच कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बट नॉट अटरेबल, जो बोला नहीं जा सकता, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रांड मार्क. और जिसको लीगल प्रोटेक्शन मिल गई वो हो गया ट्रेडमार्क. तो वन का डी अ नेम टर्म इसका बन गया, हम नहीं, वन का सी ब्रांड, वन का सी, टू का डी, थ्री का बी, फोर का ए. यस, ए पार्ट इसका आंसर बन जाएगा बच्चों.
ओके चलो जी, नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारे पास, एट विच लेवल ऑफ पैकेजिंग इमीडिएट कंटेनर इज रेफर्ड। इमीडिएट कंटेनर यानी कि जो सबसे पहला कंटेनर है, कौन से लेवल पे आता है? प्राइमरी पैकेजिंग पे। तो सेवेंथ का आंसर बन जाएगा हमारे पास ए। और एट्थ में क्या लिखा हुआ है देखो, एट्थ में लिखा है हमारे पास गुड्स लिविंग लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स मॉस्किटो रेपेलेंट्स टैबलेट। अच्छा, दीज टैबलेट्स आर पैक्ड इन स्ट्रिप्स ऑफ 12 टैबलेट्स ईच, स्ट्रिप्स में पैक करी जाती है। ईच ऑफ दीज स्ट्रिप्स आर पैक्ड इन अ कार्डबोर्ड बॉक्स, 48 बॉक्सेस आर देन प्लेस्ड इन अ बिग कॉरुगेटेड बॉक्स एंड डिलीवर्ड टू वेरियस रिटेलर्स फॉर सेल। ठीक है, मतलब बहुत अच्छे से पैकिंग करी जाती है, मुझे कहीं ना कहीं पैकिंग से सवाल लग रहा है। स्टेट द पर्पज ऑफ पैकिंग, ये जो बड़े डब्बे में आप पैक कर रहे हो उसका क्या पर्पज है? क्या उसका पर्पज स्टोरेज है? बिल्कुल है। क्या उसका पर्पज आइडेंटिफिकेशन है? बिल्कुल। क्या ट्रांसपोर्टेशन है? बिल्कुल। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर बन जाएगा बेटा, क्योंकि जो बड़ा बॉक्स है वो ये सारे ही काम करेगा, स्टोर करने में भी हेल्प करेगा, आइडेंटिफिकेशन में भी हेल्प करेगा, ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करेगा। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। चेक कर लो, पहला एक्सचेंज, दूसरा नन ऑफ दीज, तीसरा सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, मैच वाले तो मैंने वहीं कर दिए थे तो मुझे याद नहीं है, प्राइमरी एंड ऑल ऑफ दीज। यस, आइए जी, अब हमारे पास कुछ केस स्टडीज हैं जिनको बड़े ध्यान से समझना है और बड़े ध्यान से आपको लिखना है। ओके, तो देखो क्या लिखा हुआ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन में, बाय वन गेट वन फ्री। अच्छा जी, एक खरीदो और एक फ्री पाओ इज प्रिंटेड ऑन द लेबल ऑफ द पैकेज ऑफ अ मॉस्किटो रेपेलेंट। ठीक है, बाय वन गेट वन फ्री लिखा हुआ है। स्टेट द लेबलिंग फंक्शंस बीम परफॉर्म्ड। कौन सा लेबलिंग फंक्शन है? बाय वन गेट वन फ्री से क्या कर रहे हैं हम? सेल्स प्रमोशन कर रहे हैं, तो इसका आंसर बनेगा प्रमोशन। लेबलिंग में हम प्रमोशन भी करते हैं, तो इसका आंसर बनेगा प्रमोशन। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था तो मैंने डायरेक्टली पढ़ लिया, अदरवाइज केस स्टडी करने का सही टेक्निक क्या है? पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर केस स्टडी को पढ़ेंगे। अब देखो इसमें लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट, एक्सप्लेन ब्रीफली एनी फोर फैक्टर्स डिस्कस इन द अबव केस रिलेटिंग टू कॉन्सेप्ट। लो जी, अब देखो ऐसा केस स्टडी आता है ना तो समझ में ही नहीं आता कि कौन से चैप्टर का है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो किसी भी चैप्टर में हो सकता है। तो केस स्टडी को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और फिर उस कॉन्सेप्ट के कोई चार फैक्टर भी बताने हैं। चलो देखते हैं। After acquiring the necessary knowledge and skill on starting an aloe vera farm, Ashok wanted to be a leading manufacturer of aloe vera products worldwide. ठीक है जी, अशोक जो है वो aloe vera के बारे में पढ़ के आया है और leading manufacturer बनना चाहता है। He observed that products were expensive as the demand of the products was more than the supply. ठीक है, उसने देखा कि जो products हैं वो expensive हैं क्योंकि उनका जो डिमांड था वो ज्यादा था सप्लाई से। ही वॉज ऑल्सो कीन टू प्रमोट मेथड्स एंड प्रैक्टिसेस दैट वर इकोनॉमिकली वायबल, एनवायरमेंटली साउंड एंड एट द सेम टाइम प्रोटेक्टिंग पब्लिक हेल्थ। अशोक मेन कंसिडरेशन वॉज अबाउट द मनी पेड। देखो बार बार ये पैसे की बात कर रहा है, बाय द कंज्यूमर। ठीक है, ही ऑल्सो थॉट दैट कॉम्पिटिटर प्राइस एंड देयर एंटिसिपेटेड रिएक्शंस मस्ट ऑल्सो बी कंसिडर्ड फॉर दिस। अच्छा ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो ये समझो कि वो यहां पे जो चर्चा कर रहा है वो बार बार उसके प्राइस की बात कर रहा है ना, तो प्राइसिंग की तो डिस्कशन हो ही रहा है। अब आगे देखो उसने क्या बोला, उसको लगा कि कॉम्पिटिटर का प्राइस और उसके रिएक्शन भी कंसिडर कर लेने चाहिए। उसके बाद आफ्टर गैदरिंग एंड एनालाइजिंग इन्फॉर्मेशन एंड डूइंग करेक्ट मार्केट प्लानिंग ही केम टू नो दैट कंज्यूमर्स कंपेयर द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट टू द वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, अब देखो इसने बोला कि मैंने जब एनालाइज करा, गैदर करा इन्फॉर्मेशन, तो मुझे ये भी समझ में आया कि कंज्यूमर कंपेयर करता है वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट को विद द वैल्यू ऑफ मनी, इसका मतलब यूटिलिटी की बात कर रहा है। उसके बाद द कंज्यूमर विल बी रेडी टू बाय अ प्रोडक्ट व्हेन दे परसीव दैट द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इज एटलीस्ट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, सिंस ही वॉज एंटरिंग इन टू अ न्यू मार्केट ही फेल्ट दैट ही मे नॉट बी एबल टू कवर द कॉस्ट। ही न्यू दैट इन द लॉन्ग रन बिजनेस विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव अनलेस द कॉस्ट आर कवर्ड। कॉस्ट भी कवर होनी चाहिए। ठीक है, He examined the quality and features of the product of the competitor and then anticipate reactions of the consumers. Considering the same, he decided to add some unique features. Competitor ki bhi baat kar raha hai wo.
टू द पैकेजिंग एंड ऑल्सो डिसाइडेड टू प्रोवाइड फ्री होम डिलीवरी टू द प्रोडक्ट्स. अच्छा, उसने कहा मैं कुछ यूनिक फीचर्स भी ऐड करूंगा पैकेजिंग में भी और मैं फ्री होम डिलीवरी भी दूंगा. द अबव केस रिलेट्स टू अ कॉन्सेप्ट विच इज कंसिडर्ड टू बी अ इफेक्टिव कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग वेपन. अच्छा जी. द कंडीशंस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन मोस्ट ऑफ द फर्म्स कम्पीट विद ईच अदर ऑन दिस कॉन्सेप्ट इन द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. देखो जी, क्या ये प्रोडक्ट की बात कर रहा है, क्या ये प्राइस की बात कर रहा है, क्या ये प्लेस की बात कर रहा है, क्या ये प्रमोशन की बात कर रहा है? ये बार बार प्राइस की बात कर रहा है. तो यहाँ पे जो हम कॉन्सेप्ट का आंसर लिखेंगे, हम बोलेंगे प्राइसिंग या फिर प्राइस मिक्स की बात कर रहा है. अब बोल रहा है कि कोई चार फैक्टर बताओ जिस पे उसने डिस्कशन करा है. तो फैक्टर्स में यार हम बोल सकते हैं कि सबसे पहले वो देखो कॉम्पिटिटर प्राइस उसने डिस्कस करा, ठीक है. उसके बाद उसने करा वैल्यू, यूटिलिटी एंड डिमांड, यूटिलिटी एंड डिमांड की बात कर रहा है. उसके बाद कॉस्ट कवर हो जाए उसकी बात कर रहा है, राइट. उसके बाद वो अदर फैक्टर्स भी यहाँ पे कंसिडर कर रहा है कि किस तरीके से वो आफ्टर सेल सर्विसेज वगैरह भी दे सकता है ताकि वो प्रोडक्ट को अपने प्रमोट कर पाए. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि प्राइसिंग की बात हो रही है और मल्टीपल फैक्टर्स भी मैंने आपको यहाँ पे दिखाए. कॉस्ट हो गया, कॉम्पिटिटर का प्राइस हो गया, यूटिलिटी एंड डिमांड हो गया, है ना. तो इस चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए वो बढ़िया तरीके से काम कर रहा है. देखो अदर चीजें भी जैसे फ्री होम डिलीवरी, यानी वो क्या क्या बेनिफिट्स भी दे सकता है, राइट. तो आओ जी, हमारे पास आ गया द लेबलिंग फंक्शन परफॉर्म बाय अवर स्टेटमेंट हेल्प्स इन प्रमोशन. पहले वाले का तो प्रमोशन हो गया. दूसरा कॉन्सेप्ट डिस्कसेस प्राइसिंग या फिर प्राइस मिक्स. इसके अंदर कॉस्ट, कॉम्पिटिशन, यूटिलिटी, डिमांड, मार्केटिंग मेथड्स. मार्केटिंग मेथड्स में वही मैंने आपको बताया ना कि फ्री होम डिलीवरी, कौन कौन सी चीजें हैं. तो चार फैक्टर्स है जिसको वो कंसिडर करके चल रहा है. आंसर्स आपको ऐसे ही लिख के आने हैं, मैंने इसीलिए आंसर्स लिखे हैं ताकि आपको आइडिया हो कि आंसर कैसे लिख के आना है, ए का और बी का. ओके आओ सर, अब ये वाला क्वेश्चन देखते. एक्सप्लेन द थ्री फंक्शंस, तीन फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग. फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग पे बच्चों जरूर क्वेश्चन आता है. फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में वही गैदरिंग, एनालाइजिंग, मार्केट इन्फॉर्मेशन, मार्केट प्लानिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ग्रेडिंग, वो सब फैक्टर्स, सारे के सारे फंक्शंस आपको आने चाहिए. तो देखो क्या लिखा हुआ है, हमें कोई तीन ढूंढने हैं. राधिका वॉज अ स्टूडेंट ऑफ बिजनेस स्टडीज ऑफ क्लास 12. हर फादर वॉज अ फार्मर हु ग्रू डिफरेंट वेराइटीज ऑफ राइस एज वेल एज एंड वॉज वेल वर्स्ड विद वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ राइस कल्टिवेशन. ठीक है, की लाइंस में अंडरलाइन करूंगा ताकि मुझे मदद मिले. फार्मर है, राइस कल्टीवेशन करते हैं. ही वॉज ऑल्सो सेलेक्टेड बाई गवर्नमेंट फॉर अ पायलट प्रोजेक्ट ऑन राइस कल्टीवेशन. एज अ प्रोजेक्ट वर्क इन बिजनेस स्टडीज शी डिसाइडेड टू स्टडी द फिजिबिलिटी ऑफ मार्केटिंग गुड क्वालिटी राइस एट अ रीजनेबल प्राइस. ठीक है, हर फादर सजेस्टेड हर टू यूज द इंटरनेट टू गैदर कस्टमर व्यूज एंड ओपिनियंस. देखो ये, उसके फादर ने बोला कि इंटरनेट को यूज करो जिससे आप कस्टमर के व्यूज और ओपिनियंस को ढूंढ पाओ. तो वो क्या कर रही है, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन. गैदर करने का मतलब सबसे पहले तो यही है, गैदरिंग कर रही है और एनालाइजिंग कर रही है मार्केट इन्फॉर्मेशन. पहला फंक्शन ऑफ मार्केटिंग तो यही है. शी फाउंड दैट देयर वाज अ ह्यूज डिमांड फॉर पैकेज्ड ऑर्गेनिक राइस. ओके, शी न्यू दैट देयर वाज नो प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशंस इन केस ऑफ राइस बिकॉज ऑफ विच इट इज डिफिकल्ट टू अचीव यूनिफॉर्मिटी इन द आउटपुट. ऑल राइट, इसका मतलब कोई भी प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशंस नहीं है. पैकेजिंग की बात हो रही है, पैकेज्ड ऑर्गेनिक राइजेस की बहुत डिमांड है तो पैकेजिंग की यहाँ पे बात हो सकती है, ग्रेडिंग की यहाँ पे बात हो सकती है. अच्छा आगे क्या लिखा हुआ है, टू डिफरेंशिएट द प्रोडक्ट फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर शी गेव इट द नेम ऑफ मालाबरी ऑर्गेनिक राइस. देखो उसने नाम भी दे दिया तो ब्रांडिंग की भी बात हो रही है. नाम देना इज ब्रांडिंग करना, है ना. और उसने तीन डिफरेंट वैरायटीज बनाई है, पॉपुलर, क्लासिक और सुप्रीम, ग्रेडिंग करी है. शी फेल्ट दैट दीज नेम्स वुड हेल्प इन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. बिल्कुल सही है. अब देखो वो ब्रांडिंग कर रही है, ग्रेडिंग कर रही है, पैकेजिंग कर रही है, एनालाइजिंग एंड डिफरेंशिएटिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है. तो तीन फंक्शंस बताने थे तो ये सारे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं.
ओके आओ देखें इसका आंसर क्या है. गैदरिंग एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग ब्रांडिंग. सही हो गया बच्चों, परफेक्ट है. चलो भाई अब इसमें देखते हैं. ब्यूटी प्रोडक्ट्स लिमिटेड क्या बताना है? मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी बतानी है फिर से. सर कितनी फिलॉसफीज है? 5 फिलॉसफीज है. प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, सेलिंग, मार्केटिंग, सोसाइटल. राइट, आओ चेक करें. ब्यूटी प्रोडक्ट्स लिमिटेड इज अ नेचुरल एंड एथनिक ब्यूटी ब्रांड फेमस फॉर ऑफरिंग ऑर्गेनिक ब्यूटी. देखो ऑर्गेनिक फॉर मैन एंड वेमेन. द कंपनी यूजेस प्लांट बेस्ड मटीरियल फॉर इट्स प्रोडक्ट्स एंड इज द नंबर वन ब्यूटी ब्रांड इन द कंट्री. इट नॉट ओनली सेटिस्फाइड इट्स कस्टमर बट ऑल्सो बिलीव इन द ओवरऑल प्रोटेक्शन ऑफ द प्लैनेट. प्लैनेट की बात हो रही है, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट की बात हो रही है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन की बात भी हो रही है. तो मार्केटिंग में जब भी प्लैनेट कुछ एनवायरमेंट से रिलेटेड जुड़ जाता है तो सोसाइटल बन जाता है. तो आंसर बनेगा सोसाइटल कॉन्सेप्ट. ठीक हो गया जी. आओ जी अगला सवाल क्या आ रहा है. बी नेचुरल इज वन ऑफ द टॉप सेलिंग ऑर्गेनिक फूड ब्रांड्स इन इंडिया. इट हैज मोर देन 100 प्रोडक्ट्स इन 16 कैटेगरीज. ठीक है, 100 प्रोडक्ट्स हैं, 16 कैटेगरीज है. राइस बनाते हैं, मिलेट्स बनाते हैं, स्पाइसेस, पास्ता, सीड्स, सोप्स, डिटर्जेंट्स. अरे भाई, कंपनी सेल्स इट्स प्रोडक्ट्स थ्रू अ पर्सन हु इज ईदर एन ऑनलाइन स्टोर एंटरप्रेन्योर, फिजिकल स्टोर ऑनर, ऑर्गेनिक स्टोर ऑनर. अच्छा ठीक है, मतलब कैसे बेचती है उसकी भी बात कर रही है. आपको बताना है कि कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स यहाँ पे डिस्कस करे गए हैं. भाई मार्केटिंग मिक्स में 4 चीज आती हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन. इसने प्रोडक्ट की बात करी एक तो, ठीक है, उसके बाद प्राइस की कोई बात नहीं करी, प्लेस की बात करी कहाँ पे कैसे बेचते हैं. तो प्रोडक्ट मिक्स हम लोग बोल सकते हैं भैया, प्लेस मिक्स हम लोग बोल सकते हैं, प्रमोशन की कोई बात नहीं करी गई है. इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी आपको बताने हैं दूसरे पार्ट में. तो प्रोडक्ट मिक्स में तो ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग के बारे में बता देना. प्लेस मिक्स में चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, उसको हम डिफाइन कर देंगे. तो प्रोडक्ट मिक्स में आप 3 चीजें लिखोगे कि भैया ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग. और प्लेस मिक्स में चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ध्यान से देखने हैं और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में वही, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वेंट्री, वेयरहाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, है ना, वो सब, ऑर्डर प्रोसेसिंग. आओ सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेम एनी अदर 2 इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिलेटिंग टू अ प्रोडक्ट. प्रोडक्ट से रिलेटेड तो 3 ही डिसीजंस होते हैं, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग. अदर 2 का मतलब एक इसमें होगा. अरविंद इज प्लानिंग टू स्टार्ट. अरविंद क्या प्लान कर रहा है? अरविंद इज प्लानिंग टू स्टार्ट अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग रूम फ्रेशनर्स. ओके, ही इंटेंड्स टू यूज नेचुरल फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स फॉर एडिंग फ्रेग्रेंस टू देम. ठीक है, ही एस्टिमेट्स एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 20 करोड़ टू सेटअप द फैक्ट्री. एज इट इज डिफिकल्ट फॉर हिम टू रेज द इंटायर कैपिटल अलोन, ही गिव्स अ पार्टनरशिप ऑफर टू हिज स्कूल फ्रेंड संजय हु इज एन एंजल इन्वेस्टर. लो जी इन्वेस्टर आ गया है यहाँ पे. ठीक है, संजय आफ्टर बींग कन्विंस्ड अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट एक्सेप्ट. संजय टेल्स अरविंद दैट दे शुड ऑल्सो फोकस ऑन अदर इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटिंग टू द प्रोडक्ट रूम फ्रेशनर्स बिसाइड्स डिसाइडिंग अबाउट इट्स फीचर्स, वेराइटी, क्वालिटी. ब्रांडिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सच डिसीजंस. ठीक है ना, अब ब्रांडिंग एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है, राइट. तो और कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं? तो ब्रांडिंग तो हो ही गया, तो दूसरे कौन कौन से आ जाएंगे? पैकेजिंग आ जाएगा, लेबलिंग आ जाएगा, तो हम बीपीएल को पूरा कर देंगे, राइट. व्हाई इज ब्रांडिंग कंसिडर्ड एन इंपॉर्टेंट? क्यों इंपॉर्टेंट है? एक को इंपॉर्टेंस लिख देना आप ब्रांडिंग की. उसके बाद 4 फीचर्स बताने हैं एक अच्छे ब्रांड नेम के. एक अच्छे ब्रांड नेम के 4 फीचर्स कौन कौन से बता दोगे भैया? ईजी होना चाहिए, ईजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए, शॉर्ट सिंपल होना चाहिए, सजेस्टिव होना चाहिए, रिकॉग्नाइज करना आसान होना चाहिए. तो ये सारी चीजें इसके अंदर हम बता सकते हैं, राइट. तो आंसर देखो, पहले वाले में प्रोडक्ट मिक्स, प्लेस मिक्स हो गया, उसके बाद लेबलिंग, पैकेजिंग हो गया, ठीक है, ब्रांड नेम शुड बी शॉर्ट, इजी टू प्रोनाउंस, ये हो गया, सजेस्टिव हो गया, ब्रांड नेम शुड बी डिस्टिंक्टिव. सही है. चलो जी अब चलते हैं बच्चों हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन की तरफ और कंज्यूमर प्रोटेक्शन के MCQs की तरफ चलते हैं. देखो जरा सबसे पहले क्या लिखा हुआ है. Any person aggrieved by an order made by National Commission may prefer an appeal against such order to the
अगर नेशनल कमीशन से परेशान है तो वो कहाँ जाएगा? नेशनल कमीशन से जो परेशान है भैया, वो तो सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएगा। विद इन अ पीरियड ऑफ कितने दिन? 30 days। तो इसका सही आंसर बनता है डी। नेशनल कमीशन से जिसको ऑर्डर आया और वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएगा। ठीक है। FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट, फुल फॉर्म पता होना चाहिए, हैज मेड अ प्रपोजल फॉर होटल्स एंड अदर फूड आउटलेट्स टू डिक्लेयर द काइंड ऑफ ऑयल या फैट यूज इन कुकिंग ईच ऑफ द फूड आइटम्स। ओके, FSSAI ने यह बोला होटल्स को और अदर फूड आउटलेट्स को कि आप ये डिक्लेयर करो अपने प्रोडक्ट पे कि आप किस तरीके का ऑयल इसके अंदर यूज कर रहे हो इन कुकिंग ऑफ द फूड आइटम्स। द कंज्यूमर राइट बीइंग रीइंफोर्स्ड बाय दिस प्रपोजल इज, कौन सा अधिकार की वजह से? राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक्रेट रसल। हर्ड और सीक्रेट रसल तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि राइट टू बी हर्ड बोलता है हमारी सुनवाई होनी चाहिए, सीक्रेट रसल बोलता है कंपनसेशन मिलना चाहिए किसी भी कंप्लेन के अगेंस्ट। कंज्यूमर एजुकेशन में आपको एजुकेट किया जाता है आपके राइट्स के बारे में, यहाँ पे तो आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है, तो यहाँ पे आंसर बनेगा राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, क्योंकि आपको जानकारी दी जा रही है कि कौन सा ऑयल या फैट यूज हो रहा है। ठीक है, चलो भाई, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। ये मार्च क्यों आ जाता है भाई, अभी मार्च नहीं आया, मैच करो। चलो भाई बताओ, कौन कौन से मार्क्स कौन से प्रोडक्ट पे होते हैं? एग्रीकल्चरल गुड्स पे तो एग मार्क होता है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे ISI मार्क, फूड प्रोडक्ट्स पे FPO सही है, और ज्वेलरी पे हॉलमार्क। लो सर, ए का थर्ड तो बस यही बन जाएगा, ए का थर्ड तो नहीं, नीचे वाले में भी है भाई। बी का सेकंड, अब देखो ए का थर्ड, बी का सेकंड, डी बनेगा। थर्ड का क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा। अगर मैं जल्दी कर देता आगे वाला ना पढ़ता तो फिर मेरा गलत हो गया था, क्योंकि ए का थर्ड इसमें भी था, ए का थर्ड इसमें भी था, तो मुझे ध्यान से देखना है इस तरीके से। ओके चलो जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या है? शीला वेंट टू अ फ्री आई कैंप एंड गॉट हर आईज ऑपरेटेड फॉर कैटरैक्ट। लो जी, शीला जी एक फ्री आई कैंप में गए और फ्री में इन्होंने अपनी आईज का ऑपरेशन करा लिया। सर्जरी वॉज नॉट डन प्रॉपरली, सर्जरी प्रॉपरली नहीं हुई जिसकी वजह से उसका विजन चला गया। कहाँ कंप्लेन कर सकती है? अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब देखो बच्चे, वो तो कंज्यूमर ही नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बहुत क्लियरली मेंशनड है कि एक इंडिविजुअल कंज्यूमर तभी होगा अगर उसने कोई भी गुड्स को बाय करा है या सर्विस को लिया है आफ्टर पेइंग अ सर्टेन अमाउंट, यानी कंसिडरेशन होना इंपॉर्टेंट है। यहाँ तो कंसिडरेशन ही नहीं है, कुछ पे ही नहीं किया, फिफ्थ में फ्री में किया है, फ्री में किया है तो फिर वो कंज्यूमर ही नहीं है, कंज्यूमर नहीं है तो वो कंप्लेन भी नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे आएगा डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, नन, आंसर बनेगा नन, इसमें तो नहीं हो पाएगा, राइट। नेक्स्ट आता है, अर्चना इज अ प्योर वेजिटेरियन, शी वेंट टू अ पॉपुलर फूड चेन एंड आस्क्ड फॉर अ पैकेज्ड वेज बिरयानी। वेज बिरयानी उसने मांगी। व्हाइल ईटिंग द सेम शी नोटिस्ड दैट इट हैड सम नॉन वेजिटेरियन कंटेंट। अब बिरयानी वेज मांगी, उसके अंदर नॉन वेजिटेरियन कॉन्टेंट निकला। नीदर द एडवर्टीजमेंट नॉर द लेबल ऑन द पैकेज शोड दैट द प्रोडक्ट हैज नॉन वेजिटेरियन कॉन्टेंट। ना तो एडवर्टीजमेंट पे था ना ही लेबल पे था प्रोडक्ट के कि इसके अंदर कुछ नॉन वेज है। आइडेंटिफाई द कंज्यूमर राइट विच अर्चना कैन क्लेम फॉर कंपनसेशन एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कौन से राइट में वो कंपनसेशन क्लेम कर सकती है? देखो, क्लेम फॉर कंपनसेशन पूछ रहा है, ना कि ये कि किसके कौन से राइट के अंडर वो कंप्लेन कर सकती है, ऐसा नहीं पूछा। कंपनसेशन किसमें मांग सकती है? तो कंपनसेशन के लिए तो बेटा राइट टू सीक रिड्रेसल, इसका आंसर बनेगा बी पार्ट, राइट टू सीक रिड्रेसल। ठीक है जी, चलो भाई आंसर चेक कर लो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, डी नन ऑफ दीज, राइट टू सीक रिड्रेसल। चलो जी, अब चलते हैं फटाफट से किस केस बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडीज पे। क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर वन, रोनित राज अ मार्केटिंग मैनेजर इज अ पेशेंट ऑफ डायबिटीज फॉर विच ही टेक्स मेडिसिंस रेगुलरली। वन डे ऑन हिज टूर टू पटना ही मेट विद एन एक्सीडेंट एंड वॉज हॉस्पिटलाइज्ड। ओके, ड्यू टू डॉक्टर्स नेग्लिजेंस अ डेलिकेट नर्व ऑफ हिज राइट लेग वॉज कट रेंडरिंग हिम क्रिपल्ड थ्रू आउट हिज लाइफ। ओहो, आइडेंटिफाई द कंज्यूमर राइट दैट हैज बीन वायोलेटेड बाय द डॉक्टर अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इन द अबव सिचुएशन।
उसका एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट की वजह से वो हॉस्पिटल में गया, हॉस्पिटल में गया तो उसको ट्रीटमेंट ही सही से नहीं मिला, बल्कि डॉक्टर ने गलती से बाय मिस्टेक एक नर्व कट कर दी गई, और जिस वजह से वो जीवन भर के लिए ऐसे ही रह गया। तो कौन सा, देखो कहीं भी फिजिकल डैमेज होता है, फिजिकल हार्म होता है, तो कौन सा राइट है उसका जो वॉयलेट हो गया, दैट इज राइट टू सेफ्टी। ठीक है, राइट टू सेफ्टी इसका आंसर बन जाएगा, उसको आप एक्सप्लेन भी कर दोगे। कभी भी आइडेंटिफाई लिखा हो वैसे तो हमें बस आइडेंटिफाई करना होता है, बट स्टिल आप दो लाइन में एक्सप्लेन कर देना, रिस्क मत छोड़ के आना। ओके, क्वेश्चन नंबर टू। ऑन हर सिस्टर्स वेडिंग राधा डिसाइडेड टू गिफ्ट हर गोल्ड इयररिंग्स। व्हेन शी शेयर्ड हर प्लान विद हर हस्बैंड, ही शोड हर एन आर्टिकल इन द डेली नेशनल न्यूज़पेपर अंडर द हेडिंग जागो ग्राहक जागो। द कैंपेन इंक्लूडेड डिटेल्स अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स दैट पीपल मस्ट कंसिडर बिफोर बाइंग एनी गोल्ड। What do you think? Campaigns like जागो ग्राहक जागो are inserted in the newspapers. अब देखो ये newspapers में क्यों डाले जाते हैं? To educate the consumer, है ना? तो ये तो right भी है हमारा, right to consumer education. तो इस तरीके के articles consumer को aware करने के लिए, उनके rights के बारे में बताने के लिए हम लिखेंगे डाले जाते हैं। Name the right of the consumer being fulfilled through this initiative, right to consumer education. And state three responsibilities that Radha must discharge as an aware consumer while buying. अब देखो एज अ अवेयर कंज्यूमर वो क्या करे, सबसे पहले तो वो अगर वो ज्वेलरी खरीदने जा रही है तो वो उसके ऊपर हॉलमार्क देखे, दूसरा वो कैश मेमो ले, तीसरा वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेने के बाद ही, प्रॉपर प्राइजेस कंपेयर करने के बाद ही गोल्ड बाय करे। तो ये सब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आप लिख सकते हो। तो इसके अंदर बेटा जी क्या क्या आता है, नंबर वन में राइट टू सेफ्टी, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लिखना प्लीज, 2019 लिखना अब आप, और कैंपेन्स जो है आर गिवन द न्यूज़पेपर टू मेक द कंज्यूमर अवेयर अबाउट द वेरियस अनडिजायरेबल एक्टिविटीज, राइट, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन यहाँ पे फुलफिल किया गया है। थ्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्टैंडर्डाइज गुड्स लो, ठीक है, हॉलमार्क वाले, फेयर डील मिले उसको, और कैश में वो जरूर लो। ठीक है सर, आइए जी अब हमारे पास क्या है, Identify and explain the right of the consumer being fulfilled by the company. कोई right fulfill करी गई है, वो कौन सी है, हमें identify करनी है। भारती एयरटेल लिमिटेड इज एन इंडियन ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, एयरटेल की बात हो रही है, हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली। इट ऑपरेट्स इन 20 कंट्रीज अक्रॉस साउथ एशिया, अफ्रीका, चैनल आइलैंड्स। इट प्रोवाइड्स GSM 3G 4G मोबाइल सर्विसेज, फिक्स लाइन ब्रॉडबैंड एंड वॉइस सर्विसेज अपॉन द कंट्री ऑफ ऑपरेशंस। इट इज द लार्जेस्ट मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर इन इंडिया एंड द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, इट्स पोर्टल डिस्प्लेस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। पोर्टल पे क्या क्या लिखा होता है, एयरटेल मोबाइल कस्टमर केयर, मोबाइल कस्टमर केयर कॉल 121 24 आवर एयरटेल कस्टमर सर्विस नंबर फ्रॉम एयरटेल फोन इन केस यू डोंट गेट सेटिस्फैक्शन रेजोल्यूशन ऑफ योर क्वेरी क्या कंप्लेन एट द एयरटेल सेंटर, यू कैन गेट इन टच विद एयरटेल नोडल ऑफिसर्स विद योर कंप्लेन रेफरेंस नंबर एंड डिटेल ऑफ द ग्रेवेंस। अब बताओ जी फटाफट से, आइडेंटिफाइड एक्सप्लेन द राइट ऑफ द कंज्यूमर बीइंग फुलफिल्ड बाय द कंपनी। अब देखो उन्होंने कस्टमर के लिए कस्टमर केयर सेल्स ओपन करे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम आती है तो यहां कॉल करें, तो क्या है राइट टू बी हर्ड, सुनवाई की बात करी गई है, राइट टू बी हर्ड की बात करी गई है। नेम द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग बीइंग परफॉर्म बाय द कंपनी, कौन सा फंक्शन ऑफ मार्केटिंग है जो कंपनी ने यहाँ पे परफॉर्म किया है। उसके बाद दो वैल्यू, अब देखो वैल्यूज तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन सब आते भी नहीं है, लेकिन अगर आपको वैल्यूज लिखनी हो तो आप कंज्यूमर अवेयरनेस, कंज्यूमर एजुकेशन लिख सकते हो, इंटीग्रिटी लिख सकते हो कंपनी जो दिखा रही है, तो ये सब इसके अंदर आ जाती है। ठीक है जी, आओ सर क्या क्या लिखा है हमारे पास, देखो द राइट ऑफ द कंज्यूमर फुलफिल्ड अबव इज द राइट टू बी हर्ड, सही है। कौन सा फंक्शन, ओहो फंक्शन बताना भूल गया मैं, नेम द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग बीइंग परफॉर्म्ड, कौन सा फंक्शन है, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, आफ्टर सेल सर्विसेज, कस्टमर के बेनिफिट के लिए दिया जाता है वो है, और वैल्यूज कोई भी लिख सकते हो, कंसर्न फॉर कंज्यूमर्स, रिस्पेक्ट फॉर लॉ। ठीक हो गया, परफेक्ट हो गया बेटा जी। चलो जी अगला सवाल क्या था, स्टेट एनी वन प्रिकॉशन दैट ही शुड हैव व्हाइल परचेजिंग पैक्ड स्वीट्स। गौरव परचेज्ड अ पैक ऑफ स्वीट्स फॉर हिज सन फ्रॉम अ शॉप इन द नियर बाय मार्केट्स, ठीक है, After consuming those sweets, the condition of his son deteriorated and he had to be hospitalized. Okay, मिठाई का डब्बा खरीदा, मिठाई खाने के बाद उसके बेटे की तबीयत खराब हुई। Later on through a laboratory test, it was certified that sweets were adulterated. बाद में पता चला कि sweets जो थी वो खराब निकली। Okay,
क्या प्रिकॉशन है जो गौरव को लेने चाहिए थे स्पैग स्वीट्स खरीदने से पहले? उसको उसके ऊपर फूड के मार्क्स चेक कर लेने चाहिए थे कि वो ठीक है या नहीं है, उसको उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी चेक कर लेनी चाहिए थी, उसको क्वालिटी एश्योरेंस लेना चाहिए था सेलर से। तो ये 3-4 चीजें हैं, अगर वो ध्यान रखता तो शायद वो इस चीज से बच सकता था। नेम द एप्रोप्रिएट रिड्रेसल एजेंसी जहाँ पे वो कंप्लेन फाइल कर सकता है। बेसिक सा अमाउंट है तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाके वो केस फाइल कर सकता है। 2 वैल्यूज हैं जो शॉपकीपर में लैकिंग है। लो जी, गौरव शुड हैव चेक फॉर क्वालिटी एश्योरेंस मार्क FPO FSSAI ऑन द लेबल। डिस्ट्रिक्ट फोरम में कंप्लेन कर सकता है। वैल्यूज आप कोई भी लिख सकते हो, ऑनेस्टी और कंसर्न फॉर अदर्स ये लैकिंग है। दिस इज हाउ बच्चे इस तरीके की थोड़ी पैटर्नड वे की केस स्टडीज इस बार आने के चांसेस हैं। मैंने वही केस स्टडीज डाली हैं जो इस बार आ सकती हैं, जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा CBSE का जो पैटर्न है उसके हिसाब से स्टडी करना, बहुत पुराने पैटर्न की केस स्टडीज मत पढ़ना। CBSE अब जो पूछ रहा है ना वो एक जनरल क्वेश्चन पूछ रहा है कि भैया आप फाइनेंस मैनेजर हो, आप बताओ क्या लगता है आपको, आप मार्केटिंग मैनेजर हो, आप बताओ कैसे मार्केट करोगे, क्या यूज करोगे। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में पूछ रहा है, अकॉर्डिंगली ही अपने आप को तैयार करना और एग्जाम के लिए रेडी होना, राइट? तो इस तरीके से तैयारी करनी है। आज ये 2 चैप्टर्स रिवाइज कर लो, आपके पास कोई बुक है तो उसमें से भी केस स्टडीज प्रैक्टिस कर लो। कल हम 2 और करते हैं और पार्ट बी अपना रेडी करके थोड़ा सा साइड में रखेंगे ताकि हम बिजनेस स्टडीज के एग्जाम में प्रिपेयर्ड रहें। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। कल मिलते हैं, कुछ और नई चीजें करेंगे, कुछ और नए सवाल करेंगे। तो जो फिजिकल वाले बच्चे हैं उनको फिजिकल एजुकेशन का एक चैप्टर करना है और ये तैयार करने हैं। जिनके पास फिजिकल नहीं है उन्हें ये 2 चैप्टर्स और एक कोई भी सैंपल पेपर और अपनी मैथ्स की तैयारी करो। जिनके पास मैथ्स भी नहीं है, फिजिकल भी नहीं है, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये कोई भी 2 चैप्टर्स एक सैंपल पेपर अच्छे से यूटिलाइज करो। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।